स्टील की सिंक अगर काली पड़ जाए ना, गलती से हार्पिक यूज कर लिया है, तो आप चुटकियों में क्लीन कर सकते हैं। देखिए सिंक के ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाई है, सभी वीडियो में अलग अलग टिप्स बताई हैं मैंने। सबसे बेस्ट ट्रिक फिर से मैं लेकर के आया हूँ, स्टील सिंक को कैसे चमकाना है। खराब स्टील, चाहे कोई भी स्टील की चीज़ हो, चाहे सिंक है, चिमनी है, कोई बर्तन है, कोई बाल्टी है, बाथरूम में लगी हुई बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टील की, गलती से आपने हार्पिक मार लिया चमकाने के लिए, गड़बड़ कर लिया और उसको कर दिया काला, ठीक है, भद्दा कर दिया, तो उसको फिर से कैसे चमकाना है यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टील सिंक के ऊपर मैं यूज करके बताऊँगा। चिपचिपे जैसे दाग हैं ये, वाइट जैसे, इतना गंदा तो नहीं है देखिए, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टील को गीला करेंगे पानी से कुछ तरह से, और मैं रामबाण तरीका बता रहा हूँ आपको स्टील को क्लीन करने के लिए। यहाँ पे हम लेंगे, देखिए यहाँ पे एक चम्मच लगभग मैं एक पाउडर ले रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आगे। लगभग मैंने एक चम्मच के लगभग डाला है मैंने, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पे देखिए मैंने आधा लेमन लिया है, लेमन के अंदर फोलिक एसिड होता है। देखिए इस तरह से इसको रगड़ेंगे इस पाउडर के ऊपर, और लेमन ऐसा लेना रस भरा, जिसमें रस अच्छे से भरा हुआ हो। देखिए इस तरह से रगड़ते रहना 5-7 मिनट तक, इसको एक बार बीच में छोड़ना है 2 मिनट के लिए। सबसे पहले इसके ऊपर अप्लाई करके छोड़ देना है 1-2 मिनट के लिए, ताकि कालेपन और गंदगी को काटे अच्छे से। देखिए बचा कुचा जो लेमन है हम इस तरह से इसके ऊपर छिड़क देंगे। हमने पूरी तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर लिया है इस तरह से, देखिए इसको छोड़ देते हैं 1-2 मिनट के लिए, ताकि ये गंदगी को अच्छे से काट सके। चलिए इसको आप रगड़ते हैं। यहाँ पे मैंने जूना लिया है बर्तन साफ करने वाला। देखिए हमने इसको रगड़ दिया है, ठीक है, चलिए इसको धोते हैं। इसमें जो मैंने पाउडर लिया था वो बेकिंग सोडा है, ये कोई और पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। एक चम्मच बेकिंग सोडा लेकर के आप लेमन ऊपर से इसके ऊपर रगड़ देंगे। तो देखिए हमारी जो सिंक है ना बिल्कुल क्लीन है, इस तरह से आप चमका सकते हैं स्टील को। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ऐसी टिप्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।